अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद फन फेयर का आखिरी दिन और आज बड़ी ज़बरदस्त लाइनअप है। अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं और वेन्यू पे आए हैं। देखते हैं कि क्या प्लान्स हैं, क्या करना है और क्या हिसाब किताब है, और उसके बाद फिर इवेंट एंजॉय करेंगे। ये बेसिकली एक थीम है इस्लामाबाद फन फेयर का। जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनको एक ट्रिब्यूट ये लोग पेश कर रहे हैं, पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो कुछ भी है। तो ये एक थीम को लेके जा रहे हैं। इनका जो स्लोगन है वो है रिवाइव एंड रिलिव। डिफरेंट स्टॉल्स लगी हुए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी हैं, खाने पीने की भी हैं, और भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तकरीबन कोई 35-40 स्टॉल्स लगे हुए होंगे। और अभी सिर्फ मैनेजमेंट की टीम आई है, बाकी कोई नहीं है। हमारे गिलानी साहब पहली दफ़ा ज़िंदगी में टाइम पे आए हैं और बाकी कोई नहीं है। इस यही वजह होती है कि गिलानी साहब टाइम पे आ जाते हैं और बाकी कोई नहीं होता। अली गजनफर टाइम पे नहीं आता क्योंकि मुझे बंदे नहीं मिलते। बबूती पबजी का शौकीन, लेकिन जो ज्यादती होती है वो सिर्फ इस बंदे के साथ होती है। अब मुझे नहीं पता लगता कि गिलानी साहब कमेंट्स प्लीज। देखिए बात ये है कि बंदा जब टाइम पे आ जाए और बाकी लोग टाइम पे ना आए, तो उस तकलीफ़ और उस कर्ब से बचने के लिए मैंने ज़िंदगी में यह ठाना था कि मैं कभी टाइम से नहीं आऊँगा। लेकिन कल एक मुझे प्यारे मेरे कुछ दो भाई हैं, उन्होंने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की कि गिलानी साहब आप टाइम पे आ जाइएगा। उनकी मोहब्बत में और चाहत में मैं टाइम पे आया हूँ, वरना खुदा जानता है कि खुदा के बाद कोई दूसरी ताकत नहीं है जो मुझे टाइम पर। ये हमारे PR मैनेजर हैं, इसके भी हाल देख लें, जो इवेंट्स की PR वगैरह देखते हैं, ये इसका हाल है। Of night, we live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember. हमारे सलमान साहब तस्वीर बनाते हुए। Cause we are born as living fights. We live to die. Oh,
क्यों गयो समंदर पार ते हर दम आवे तेरी याद बल बल ताने दिंदिया ने मेरी सखिया आजा हुन धो लेना तेरा दिल तोड़े ना दिन मर जाके तेरे बिना सदा दुनिया जी नकलाई आधोजे ऐसे जीना जी तेरे बिना आधोजे सदा दुनिया जी नकलाई आधोजे ऐसे जीना जी तेरे बिना आधोजे Yeah.